आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं की छत्तीसगढ़ भारती में पाठ 15 शतरंज में मात इसको जानेंगे। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शतरंज खेलना बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमको जो लेखक हैं वो क्या बताना चाहते हैं। तो जो लोक श्रुतियाँ होती हैं इतिहास के पन्नों में आपने देखा होगा, आपने बिरबल का नाम सुना होगा, गीनू झा का नाम सुना होगा, ऐसे अनेक व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से हाजिर जवाबी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक थे तेनालीराम, जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। आज हम देखते हैं तेनालीराम का किस्सा। चलिए शुरू करते हैं शतरंज में मात। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इसके चरित्र थे, फिर आगे अपन इसमें आगे चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इनके चरित्र। तो इसमें सबसे पहले राजा कृष्णदेव राय और इन्हीं के दरबारी थे तेनालीराम। राजा के दरबार हुआ करते थे तो बहुत सारे दरबारीगण भी होंगे, तो दरबारीगण, नाई, सेवक, दर्शक, इस तरह से इसमें जितने पात्र थे उनके ये नाम हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि शतरंज में मात में है क्या। तो इनके जीवन के योगदान में प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक न्याय व्यवस्था, अर्थात जहाँ गलती होती है तो गलती की सज़ा कैसे मिलनी चाहिए, जिसको न्याय करना कहते हैं, है ना, कि गुनहगार को ही सज़ा मिले, निर्दोष के साथ न्याय हो सके, जो निर्दोष है उसे किसी प्रकार की सज़ा न मिले। दूसरा, उनके दरबार में उनसे जो जलन रखते थे, यानी तेनालीराम से जो लोग चिढ़ते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनका पर्दाफाश कैसे किया जा सकेगा, जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके, सच्चाई राजा को बताई जा सके। ऐसा ही कुछ दृश्य हम इस एकांकी को पढ़ते हुए महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पहले दृश्य की, कि एक हम दृश्य बनाते हैं कि क्या क्या उसमें हो रहा था। राजा का दरबार, हम पहले दृश्य की बात कर रहे हैं अब, है ना। तो राजा का एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है, दरबारी सारे अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि राजा के दरबार में बीच में राजा का आसन होता है, सिंहासन जिसको कहा जाता है, और फिर लाइन से सारी आसन लगे हुए रहते हैं जिसपे जितने दरबारी होते हैं वो सब उसमें बैठते हैं। तो वैसे ही अभी राजा जो है उनका आसन खाली है और तेनालीराम जो है उनका आसन खाली है। तो जो दरबारी बाकी बैठे हुए हैं वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला दरबारी बोलता है, देखो अभी तक तेनालीराम नहीं आए। तो दूसरे दरबारी ने जवाब दिया, भला वो क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वो हम जैसे को क्यों पूछेंगे। तीसरे दरबारी ने तुरंत वहां से कहा, महाराज ने भी खूब सिर चढ़ा रखा है तेनालीराम को। तो चौथे दरबारी ने वहां से जवाब दिया कि राजा की नकल करता है, हाँ तेनाली वहां तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली, तेनाली 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 सुन के कान पक गए उनकी प्रशंसा को सुनते सुनते। फिर पहले दरबारी ने फिर कहा, राजा के सिर से तो तेनाली का भूत उतारना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दरबारी ने कहा, कितनी बार प्रयास किया, तेनालीराम की चतुराई के आगे हमारी एक भी नहीं चलती। आप सब जानते हैं तेनालीराम के बहुत सारे किस्से भी आपने सुने होंगे, पर हमें कुछ नए किस्से की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सभी दरबारी आपस में बात कर रहे हैं। तो चौथा दरबारी, चलो कुछ युक्ति निकालें ताकि हम तेनालीराम की चतुराई को अपने आगे चलने ना दें। तो पहले दरबारी ने फिर चुटकी बजाते हुए कहा, निकाल लिया मैंने एक उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, हाँ हाँ कहो कहो कहो, जैसे आपस में हम बात करते हैं ना वैसे, सब खुश नजर आते हैं, नगाड़े बजाने लगते हैं। तभी एक सेवक जोर से चिल्लाता है, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। और जितने भी दरबारी थे सब फटाफट 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 दौड़ दौड़ के अपने आसन की ओर चले गए और एकदम गंभीर चेहरा बनाकर राजा का स्वागत करने लगे। राजा अपने आसन पे बैठते ही तुरंत पूछ रहे, तेनालीराम कहाँ है। पहले दरबारी ने कहा दूसरे दरबारियों को देखते हुए, लो आते ही तेनालीराम की याद आ गई, राजा अभी आए ही नहीं है, लगता है शतरंज का खेल कहीं जमा होगा। पहले दरबारी ने ऐसा कहा कि कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा ने कहा कि शतरंज, क्या तेनालीराम जी शतरंज के शौकीन है। दूसरे दरबारी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ महाराज वो तो गजब के खिलाड़ी हैं। तीसरे दरबारी ने इधर से उत्तर दिया, पर महाराज की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। चौथे दरबारी ने वहां से तुरंत कहा, महाराज की आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक ओर आप और दूसरी ओर तेनालीराम, तेनालीराम नहला तो महाराज दहला, अर्थात एक ओर तेनालीराम रहेंगे और दूसरी ओर महाराज रहेंगे। तब राजा ने खुश होकर
हाँ उत्तम सुझाव है, बराबरी का खिलाड़ी मिलता है तो खेलने में बड़ा ही आनंद आता है, ऐसा कहा। तेनालीराम भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसा राजा ने पूछा दरबारी से कि तेनालीराम जो है वो बड़ा चतुर निकला, उसने मुझे बताया ही नहीं कभी कि वो गेम खेलता है या उसको शतरंज खेलनी आती है। तो पहले दरबारी ने कहा कि वह आपकी हार देखना नहीं चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, वास्तव में वह बड़ा घाघ है। घाघ मतलब चतुर, जो बातों को छुपाता है, चालाकी करता है, उसको कहते हैं घाघ। तो बड़ा घाघ है तेनालीराम, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। राजा ने कहा यदि वो घाघ है तो हम भी कम नहीं है, चलो हो जाए दो दो हाथ। सेवक ने कहा कि तेनालीराम जी आ रहे हैं। तेनालीराम जी ने कक्ष में प्रवेश किया, तेनालीराम जी ने झुककर महाराज को प्रणाम किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो राजा ने अपना मुंह फेर लिया। तो तेनालीराम को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा ने मुंह क्यों फेरा। तो तेनालीराम इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज, ऐसा उसने कहा। और राजा तो एकदम क्रोधित हो गए। उसने राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम बहुत अच्छा शतरंज खेलते हो, तुम शतरंज खेलने में माहिर हो। एकदम तेनालीराम को आश्चर्य हुआ, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ महाराज, ऐसा तेनालीराम ने कहा। राजा ने बहुत क्रोधित मुद्रा में कहा, मुझे सब पता है तेनाली, अब बात छिपाने की नहीं है। पहला दरबारी बोला हाँ महाराज, बड़े बड़ों को ये मात दे चुके हैं। तीसरे दरबारी ने भी कहा जरा बच के खेलिएगा महाराज। सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हुए कह रहे क्या आनंद आ रहा है। तेनाली ने घबरा कर कहा पर वास्तव में मुझे शतरंज खेलना नहीं आता महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तो राजा ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ और व्यवस्था करो। फिर तेनाली ने जवाब दिया कि मैं नहीं खेलता, ऐसे करके वो सिर ठोकता है। लेकिन जो दरबारी थे, उसमें जो पहला दरबारी था, उसने कहा कि तेनालीराम जी क्यों अस्वीकार करते हैं। दूसरे दरबारी ने भी दबाव बनाया, जब महाराज स्वयं न्योता दे रहे हैं तो। तीसरे दरबारी ने भी कहा तेनालीराम जी दाव जरा सोच समझ कर खेलिएगा। और सभी आपस में हंसने लगे और हंसते हंसते सब इस दृश्य का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। तभी तेनालीराम जी समझ गया कि ये सबकी चाल है, इन सब ने मिलकर मुझे फंसाया है। और इस तरह से ये पहला दृश्य हमने संपन्न किया। अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की तरफ कि दूसरे दृश्य में क्या हुआ। तो दूसरे दृश्य में देखिए कैसे हो रहा है कि पूरा दरबार भवन है, बीच में चौकी यानी चौरस जिसको पाटा हम कहते हैं वो लगी हुई है, गद्दी लगी हुई है, तकिए में लगे हुए हैं जिसमें राजा टिक के आम बैठे हुए हैं, और उसके ठीक सामने की तरफ तेनालीराम जी बैठे हैं, और बीच में शतरंज की चादर बिछी हुई है। चारों ओर से दरबारियों ने उन सबको घेर रखा है, यानी एक ओर तेनालीराम जी और एक ओर राजा। दरबारीगण उसमें दर्शक जो खड़े थे उसमें से अब बरसेगा महाराजा का क्रोध तेनाली पर। तो राजा ने हुक्का हटाकर, जो राजा महाराजा लोग जो हुक्का पीते थे ना, उसको हटाकर अपने मोहरे को हाँ भाई तेनाली खेल आरंभ करें, ऐसा करके उन्होंने खेल आरंभ किया। और तेनाली ने भी मुंह लटका कर कहा कि हाँ महाराज आरंभ करें, क्योंकि राजा की आज्ञा थी तो तेनाली कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर राजा ये लो ये चला मैं पहली चाल, ऐसा कहकर उन्होंने पहला मोहरा उठा करके रखा। फिर चौथे दरबारी ने कहा वाह क्या चाल चली है महाराज ने, ऐसे कहकर उसने ताली बजाई। और तेनाली सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या चलूं। फिर दूसरे दरबारी ने कहा कि हमारे तेनालीराम जी कुछ कम नहीं हैं। फिर तेनालीराम जी ने एक मोहरा उठाया और अब चलो मैं इसे ही अपने आप से बात की, जैसे कभी कभी हम अपने आप से बात करते हैं, चलो अब मैं इसे चलता हूँ करके उसने एक मोहरे को आगे बढ़ा दिया। अब राजा दर्शकों में से ऐ सबसे पहले वजीर, तो जबकि तेनालीराम को तो मालूम ही नहीं था कि उसने जो चला वो क्या था, वजीर। और शतरंज में जो प्यादे होते हैं, घोड़ा होता है, हाथी होता है, शतरंज के जो खेल होते हैं ना, उसमें जो जो मोहरे होते हैं उनके सबके नाम होते हैं, पर तेनालीराम जी को तो खेलना आता नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना एक मोहरा उठा के इसे रखा, और राजा ने दर्शकों में से किसी ने कहा कि अरे ये क्या किया। तो राजा ने कहा अरे सबसे पहले वजीर, अवश्य ही कोई गूढ़ चाल चली होगी इसने, मैं भी सोच समझ के चलता हूँ, ऐसा सोच करके राजा ने अपनी चाल चली। फिर तेनाली ने दर्शकों में से किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ भी चलो मुझे क्या, राजा से लीजिए मैंने ये चला करके तेनाली ने दूसरा चाल चला। तो फिर राजा को लगा कि धीरे से अरे ये चतुराई है या मूर्खता, खैर मैंने तो ये चला करके राजा ने अपनी चाल चली। अब तेनाली ने अब घोड़ा चला, ये लो मैंने ये घोड़ा चला। अब राजा ने कहा कि अरे
यह तो सरासर मूर्खता है, यह तो जानबूझकर हार रहा है। तेनाली, तुम मन से खेलो, ऐसा करके राजा ने तेनाली से कहा। उतने में दरबारियों के बीच में से एक दरबारी ने कहा, ठीक से खेल जमाओ, तभी तो महाराजा को आनंद आएगा। फिर दूसरे दरबारी ने उस बीच में कहा कि महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथे दरबारी ने कहा, आप तो कुशल खिलाड़ी हैं, जानबूझकर हारिए मत। तेनाली ने मन ही मन में कहा, अच्छा तमाशा मेरा बना के रखा है। और राजा समझते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा, ऐसा उसने तेनाली को कहा। फिर तेनाली राम मन में सोच रहा था कि महाराज मुझे तो खेल का ज्ञान है ही नहीं, परंतु राजा उसने क्रोधित हुआ, तो ये सब क्या, यानी इतने सारे लोग जो कह रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम शतरंज के खिलाड़ी हो, सब झूठ बोल रहे हैं। सब दरबारी महाराज के सामने आंखों से इन्हीं बाजी में ताव देते हुए राजा से कहा, सुनो, अब यदि हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा, ऐसा कहा राजा ने। तो तेनाली ने फिर अपनी चाल चली। अब राजा फिर गरज कर, फिर अनाड़ी चाल, जो भी क्योंकि तेनालीराम को खेलना तो आता नहीं था, तो उसने अपनी मर्जी से चाल चल दी, तो राजा को फिर गुस्सा आया, फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, सही तरीके से खेल जमाओ, ऐसा करके राजा ने कहा। तेनाली, फिर जैसी आपकी आज्ञा, ये लीजिए मैं ये चलता हूँ, ऐसा करके उसने फिर एक प्यादा चला। फिर राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, ऐसा क्रोधित होकर, जानबूझकर तुम हार रहे हो, ऐसा उसने कहा। फिर दरबारियों में से एक दरबारी ने कहा, राजा महाराजा अति चतुर हैं, आप अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली, ऐसा करके उसने तेनालीराम को समझाइश दी। दूसरे दरबारी ने भी कहा कि महाराजा का क्रोध भयंकर है तेनाली, तुम बच के रहना, और राजा अब की हारे तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा, ऐसा करके तेनालीराम को कहने लगे। फिर तेनाली सिर को जाते हुए सोचने लगा कि मैंने इसमें मैं क्या उत्तर दूं, इसका मैं क्या उत्तर बनाऊं, क्योंकि खेलना तो उसे आता ही नहीं था, पर सब ये क्या समझ रहे थे कि तेनालीराम जो है वो शतरंज का माहिर खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पर वास्तव में तो तेनालीराम को खेलना आता ही नहीं था, इसलिए वो सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूं या क्या चाल चलूं। फिर राजा ने उसके जो भी चाल उसने चली होगी उसको मारते हुए, मारे गए तुम, संभल जाओ, अब ये हुई मेरी अगली चाल, करके राजा ने अपनी अगली चाल चली। और तेनाली ने भी कहा कि ये रहा मेरा दांव। फिर राजा ने कहा कि फंसाया ना वजीर क्यों चले। तेनाली ने कहा, बेगम को बचाने के लिए मैंने वजीर को आगे बढ़ाया। राजा, अरे यह कटा तुम्हारा वजीर, ऐसी चाल चल के राजा ने तेनाली के वजीर को भी काट दिया। तेनाली, अब आए स्वयं राजा, तो ऐसा कह करके तेनाली ने अपने राजा को आगे बढ़ाया। अब जो राजा सामने खेल रहे थे उन्होंने क्या किया, ये लो गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए ना, इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर तेनाली। उठ खड़े होते हुए शतरंज उलट देते हैं और मोहरा उठाकर जोर जोर से फेंकते हैं। गुस्सा आ जाता है महाराज को कि वो सोचता है कि इसने राजा चला और राजा भी इसका गया, यानी तेनाली जानबूझ के ऐसे खेल रहा है कि वो हार रहा है और राजा को जिता रहा है, यानी जो सामने बैठे राजा जो खेल रहे हैं उनको वो जिता रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में वो क्या करते हैं, पूरे शतरंज जो बिछी हुई थी उसको उन्होंने ऐसे जोर से उठा दिया और पूरे जो मोहरे थे उसको जोर जोर से इधर उधर फेंक दिया, और अच्छा खेल बनाया, अच्छा तमाशा बनाया हमारा, ऐसा कहकर वो कहने लगे। और दरबारियों से कल दरबार में नाई को बुलाना, ऐसे करके जोर से उन्होंने चिल्लाया और कहा कि कल तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लेकर पांव पटकते राजा जो थे वो बाहर चले गए, या खेम हो रहा था वहां पर उससे बाहर चले गए। तो जो दरबारी थे उन लोगों को बड़ा मजा आ गया, क्योंकि तेनालीराम को राजा ने डांट लगाई और गुस्से से कहा कि नाई को बुलाओ, मैं उसके कल बाल मुंडवाऊंगा, यानी उनको सजा दूंगा। अब तेनाली का मुंह लटक गया, बेचारा मुंह छिपाए, भारी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान हो सकता है क्या। अब हमने दूसरा दृश्य देख लिया, अब हम बात करते हैं तीसरे दृश्य की। हमने पहले दृश्य में देखा था कि दरबारी, राजा, सारे दरबार का वातावरण, उसका दूसरे दृश्य में हमने देखा कि राजा और तेनालीराम दोनों आमने सामने शतरंज के खेल को खेल रहे थे। अब हम तीसरे दृश्य की बात कर रहे हैं। सबसे बीच में ऊंचा मंच बना है, राजा का सिंहासन, तेनालीराम अपने आसन पर है, एक सेवक जो है वो नाई को खींचता हुआ लेकर आया।
दूसरे स्लाइड में हमने देखा था कि राजा गुस्से में तमतमा कर बाहर निकल गए और कहा, आदेश दिया सेवक को कि नाई को बुलाकर लाओ, मुंडन करवाना है। ठीक है, अब तीसरे दृश्य में हम देख रहे हैं कि जो बीच में राजा के सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं, तेनालीराम अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और जो सेवक है वो नाई को खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। अब नाई राजा के सामने गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अब नाई को ऐसा लगा कि मुझे क्यों उठा के लाएं, उसको तो पता ही नहीं थी बात सारी। फिर राजा ने कहा, उठो उठो, तुमको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। नाई ने खुश होकर कहा, नहीं नहीं तो फिर यानी मुझे क्यों बुलाया गया। तो राजा ने कहा, अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करवाना है। तो नाई को आश्चर्य हुआ, मुंडन, अभी तो इनाम भी अच्छा मिलेगा, फिर मुझे क्या, राजदरबार में केस उतारूं या नदी के किनारे, सब बराबर। पेटी खोली, तैयारी की, तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी सब धीरे धीरे मंच के निकट आ गए। तेनालीराम ने राजा से क्षमा याचना की, क्षमा करे महाराज। राजा ने कहा, क्षमा ओमा कुछ नहीं, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो, तेनाली ने हॉल के बीच में मंच पर चढ़ना प्रारंभ किया। अब नाई इतने महान आदमी का मुंडन, उस सोचने लगा, राजा डरो मत, तुम आज्ञा का पालन करो। नाई जो आज्ञा महाराज, ऐसा कह करके उस्तरा निकाल कर तेनालीराम के पास गया। फिर सारे जो दरबारीगण थे, ठीक है, वो तो सब देख ही रहे थे। फिर तेनाली ने कहा, महाराज आज्ञा दें तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। तो जो दरबारीगण थे वो आपस में बात करने लगे, जरूर कोई नई चाल तेनालीराम चलने वाले हैं। राजा ने कहा, कहो तेनाली। तेनालीराम ने कहा, महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 अशर्फियाँ उधार ली है, जो अब तक कर्ज न चुका दूँ तब तक केश कटवाने का मुझे कोई हक नहीं है। तो सब जितने दरबारी थे जो सुन रहे थे वो कहने लगे, देखो तेनालीराम की चतुरता, तेनालीराम की धूर्तता। तो राजा ने कहा, शांत। जब आपस में जब सब कानाफूसी करने लगे तो राजा ने जोर से चिल्ला के कहा, शांत, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा तेनाली को। सोचकर दरबारी ने, जाओ अभी कोष से 5,000 अशर्फियाँ निकलवा कर इनके घर भिजवा दो, किनके, तेनालीराम के घर भिजवा दो। नाई को कहा कि तुम अपना काम पूरा करो, देखो एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, सारा मुंडन हो जाना चाहिए। दरबारी खुशी खुशी, जितने भी दरबार थे वो सब, और नाई ने भी खुशी खुशी अपना उस्तरा उठाया। अब तेनालीराम की हालत खराब होने लगी थी। तेनालीराम रोक कर छरवर में बोलने लगा, रुको भैया रुको, आसन लगाकर मंच के बीच में बैठकर आंख मूंदकर हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा तेनालीराम बोलने लगे। तभी राजा बीच में ही बोल पड़े, तेनाली ये क्या कर रहे हो। दरबारी आपस में फिर बात करने लगे, एक दूसरे के साथ कुछ नया ढोंग, हद है चतुराई की भी, और ऐसे सब शब्द वो लोग बोलने लगे। परंतु राजा ने जब पूछा तेनाली से कि क्या कर रहे हो, तो तेनाली ने आँख खोल करके शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, कृपया बीच में न टोके, मैं अपनी भलाई के लिए या मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, पहलिया मत बुझाओ, नाई देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से उस तरह उठाओ। अब तेनालीराम ने फिर कहा, मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज। तो सारे दरबारी जो थे वो अधीर होकर महाराज की तरफ, महाराज कहने लगे, महाराज मत सुनिए, नाई को अपना काम करने दीजिए। नाई ने फिर से उस तरह उठाया और राजा ने उसे फिर से रोका। तेनाली ने जवाब दिया राजा को, हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है, ऐसा तेनालीराम ने राजा को बताया। राजा ने पूछा, तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति है। तो तेनाली ने जवाब दिया, महाराज आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मैं मुंडन कैसे कराऊं। इधर मेरा मुंडन हो और उधर कहीं आप स्वर्ग सिधार जाएं तो। अब राजा को घबराहट हुई, अरे ये कैसे हो सकता है। तो तेनाली ने कहा, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं यदि मुंडन कराऊं तो आप पर जरूर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूं। अब राजा भी सोचने लगे, मुंडन से पहले सच में यदि मुझे मृत्यु आ गई तो। राजा ने तुरंत रोक दिया, नहीं 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 नहीं, हाथ रोक दो,
नाई को कहा कि आप बिल्कुल नहीं करना कुछ। तेनालीराम का दंड मैंने वापस ले लिया। तेनाली ने कहा, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। अब राजा भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम भी कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। अशर्फियाँ भी ले ली, दंड अपमान से भी बच गए, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में घूमने चलते हैं। ऐसा बोल करके सिंहासन से महाराज उतरे, तेनालीराम को साथ लिया और दोनों के दोनों बाहर की तरफ निकल गए। अब जो दरबारी थे, बाकी जो दरबारी बचे थे, उसमें से एक दरबारी यानी जो पहला दरबारी था, उसने सिर ठोकते हुए कहा, फिर छूट गया तेनाली। दूसरे दरबारी ने कहा कि लड़खड़ा कर गिरते हुए 5 अशर्फियाँ भी मार ली। फिर तीसरे दरबारी ने कहा बाल नोचते हुए, हम फिर से हार गए। और सब दरबारी, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हम सबको फिर से मार दे दी। इस तरह से फिर पर्दा गिर गया। चलिए आज हमने जो पाठ देखा शतरंज में मात, उसमें कुछ विलोम शब्द हैं जिसको हम देखते हैं। तो जैसे इसमें एक विलोम शब्द था प्रशंसा, तो इसका विलोम अर्थ होता है निंदा। वैसे ही चतुराई, इसका विलोम शब्द होता है मूर्खता। वैसे ही खुश का नाखुश, दुष्ट का सज्जन, जय का पराजय और व्यवस्था का अव्यवस्था, ये इसके कुछ विलोम शब्द हैं। और अब बात करते हैं गृह कार्य की। इस पाठ से संबंधित 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में मिल रहे हैं जो आपको बनाने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तेनालीराम ने अपनी किस चतुराई से दंड से मुक्ति पाई और 5,000 अशर्फियाँ ले ली। अब दूसरे प्रश्न की बारी। मेरा दूसरा प्रश्न है, दरबारी तेनालीराम से क्यों चिढ़ते थे, कारण को लिखिए। तो ये आपका गृह कार्य। अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।